बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैंपल वैल्यूज जो बनाते हैं, सैंपलिंग विद योर मेथड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो सैंपल वैल्यूज आप बनाते हो विद रिप्लेसमेंट, हमारे पास टू केसेस होते हैं जब आप सैंपल वैल्यूज बनाते हैं, या तो आपको विद रिप्लेसमेंट गिवन होते हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन होते हैं। अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं जिन्होंने क्वेश्चन भी किए कि मैम ऐसी अक्सर वैल्यूज आ जाती हैं जिसमें मैंशन नहीं होता विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो वहाँ पर क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंशन अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आज मैं आपसे शेयर करने लगी विद रिप्लेसमेंट, जब आपके पास सैम्पल साइज एन क्या होता है, टू के इक्वल होता है। हमारे पास टू भी हमने बनाना है, थ्री भी बनाना है, फोर सैम्पल पॉइंट्स भी बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एन अगर हमारे पास टू के इक्वल होता है। स्टूडेंट आपके पास जो पॉपुलेशन है वो आपको गिवन है 2, 4, 6, 8। कैपिटल एन जो है इट्स शोइंग अबाउट द पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड स्मॉल एन हमने बनाना है 2। अब हमारे पास केस है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी जो पॉपुलेशन है ठीक है वो हमने काउंट करनी है कि कितनी बनती है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स जब हम बनाते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी वैल्यूज, सैम्पल वैल्यूज वी कैन गेट इफ वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ द विद रिप्लेसमेंट, तो हमारे पास कितने, हमारे पास जो वैल्यूज को काउंट करने का मेथड है वो एन कैपिटल एन को कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट मीन 4 × 4 = 16। अब स्टूडेंट इसका मैं बड़ा ही इजी मेथड आपको बताती हूँ। देखिए अब इसका क्या मतलब है, आप 16 टोटल नंबर है तो आप सबसे पहले तो 16 वैल्यूज जो है वो काउंट कर लो, क्योंकि ये हमारे पास बड़ा ही इजी जो है मेथड है जिसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको काउंटिंग जो है वो सही तरीके से करनी है। इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको विद रिप्लेसमेंट, और इंशाल्लाह विदाउट रिप्लेसमेंट जो है उसमें हम प्री डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट ये तो हमने ले लिया टोटल नंबर, अब आपने क्या करना है, वो आपको कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है 4। आप 16 जो आपके पास टोटल सैम्पल वैल्यूज आई हैं उसको 4 पे डिवाइड करें, तो हाउ मेनी नंबर वी कैन गेट द 4 नंबर, इट्स मीन कि आपने हर वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। अब 4 जो हमारे पास आए, इट्स मीन कि आपने 2 को 4 टाइम लिखने में यहाँ लिखी, मेरे पास 2 ये मैंने 4 टाइम लिखा, फिर नेक्स्ट वैल्यूज के 4 को भी 4 टाइम लिखना है ये मैंने लिख दिया 4 टाइम, नेक्स्ट वैल्यूज क्या है 6 है, 6 को भी मैंने 4 टाइम लिखना है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 8 को भी मैंने 4 टाइम लिखना है ये मेरे पास आ गया। तो ये 4 का जो मीनिंग था वो ये था कि आपने 4 को 4 टाइम लिखा। नेक्स्ट क्योंकि हमें 2 सैम्पल एन हमारे पास सैम्पल वैल्यूज वाला जो स्मॉल एन है वो 2 है, अब हमने फिर 4 को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देना है तो इट्स मीन इज इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या मतलब है कि आपने हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, इट्स मीन कि आपने क्या लिखना है 2, 4, 6, 8, इट्स मीन आपने हर वैल्यू को 1 टाइम लिखा 2, 4, 6, 8। इसी तरह आप नेक्स्ट चले जाओ 2, 4, 6, 8, फिर नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8, देन नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8। तो ये हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है विद रिप्लेसमेंट में सैम्पल वैल्यूज, इफ सैम्पल स्मॉल सैम्पल साइज जो है वी हैव द 2, तो विद रिप्लेसमेंट में अगर आपको गिवन है तो आपने ये प्रोसेस करना है, बट ये उसको करना है जब आपको स्मॉल एंड गिवन हो 2। अगर आपके पास गिवन हो 3 केस, देन आप क्या करोगे, इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे अपना सैम्पल पॉइंट्स बनाना इन नेक्स्ट वीडियोस। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो प्रोसेस है सैम्पल वैल्यूज बनाने का समझ में आया होगा, अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट इसमें जो स्मॉल एन अगर 3 आ जाए विद रिप्लेसमेंट, ये केस भी आपको इसी वीडियो में करा देती हूँ ताकि आपको कंपैरिजन जो है वो पता चल सके। अब ये हमारे पास पॉपुलेशन है कैपिटल एन 3 है, स्मॉल एन 3 है हमारे पास। अब पहले जो हमने केस किया है थोड़ी देर पहले, वो हमने एन इज इक्वल टू 2 किया था, इट्स मीन कि हमारे पास पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स ये आए थे, हमारे पास दिस वन आया। अब क्योंकि हमारे पास जो सैम्पल साइज है वो 3 है तो हमने 3/n लिखा। अब 27 कैसा है, देखिए टोटल हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 3 × 3 × 3, इट्स मीन 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ द 27। अब हमने बनानी है पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स विदाउट रिप्लेसमेंट में भी, स्टूडेंट सेम वही प्रोसेस जो आपने फॉलो करना है। देखिए अब आपके पास 27 टोटल आया ना सैम्पल वैल्यूज जो पॉसिबल हमारे पास बन सके, पॉपुलेशन आपके पास कितनी है 3, तो आपने कैपिटल एन से डिवाइड करना होता है, ठीक है, अगर एन भी स्मॉल एन अगर 2 गिवन है सैम्पल साइज
टू गिवन है और सैम्पल साइज अगर थ्री गिवन है, उसमें जो पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स होते हैं उसको हमने टोटल एन से डिवाइड करना होता है। अब टोटल एन हमारे पास थ्री है, इट्स मीन 27 डिवाइडेड बाय थ्री हमारे पास क्या आएगा 9। इट्स मीन कि आपने हर वैल्यू को 9 टाइम लिखा। अब मैं यहाँ लिखने लगी हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए। स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं 9 तक जाऊँगा, कुछ वैल्यूज लिखूंगी, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ ये 9 वैल्यूज लिखूंगी। एंड देन जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी जो मैं लिखूंगी वो क्या होंगी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसमें टोटल सैम्पल पॉइंट्स इज 27। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आपके पास जो पॉपुलेशन है इट्स मीन 3 जो हमारे पास, तो आप इसको 9 टाइम लिखोगे, जो 9 इसका आंसर है, इट्स मीन कि आपने हर वैल्यू को 9 टाइम लिखा। तो ये मैं 3 को पहले लिख रही हूँ 9 टाइम, फिर आपने 6 को 9 टाइम लिखने, फिर आपने लिखना है 9 को 9 टाइम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गए हैं वैल्यूज। अब आपने क्या करना है, 9 को जब तक 1 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने 3 टाइम करनी। अब फिर टोटल पॉपुलेशन जो 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। इट्स मीन आपने हर वैल्यू को 3 टाइम लिखना है। या आप देख सकते हो 3, 3, 3, देन 6, 6, 6, देन 9, 9, 9। यहाँ पर आपने क्या करना है, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 9, 9 and 9। देन आपने क्या करना है, 3, 3, 3, 6, 6, 6 and 9, 9 and 9। अब अगेन आपके पास 3 है, इट्स मीन यू आर डिवाइडिंग अगेन विद द नंबर ऑफ 3 एंड गेटिंग द आंसर इज इक्वल टू 1। इट्स मीन कि हमने हर डिजिट को 1 टाइम लिखना है। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, again 3, 6, 9, 3, 6, 9, again 3, 6, 9, 3, 6, 9. इट्स मीन वी हैव द टोटल सैम्पल पॉसिबल पॉइंट्स जो हमने सैम्पल साइज विद द 3 के साथ लेने थे वो बना ली हैं इन द केस ऑफ द विद रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियोस जो मैं आपके लिए बनाऊंगी उसमें हमने बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। अगर आपके पास सैम्पल पॉइंट्स 2 आ जाता है या 3 आ जाता है और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो हम कहते हैं ट्री डायग्राम, तो टी डायग्राम को हम विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे ईजिली उसके सैम्पल पॉइंट जो ले सकते हैं। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में अक्सर ये होता है कि आप पहला डिजिट काट के फिर नेक्स्ट बना रहे हो, तो उस तरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक तो सीक्वेंस सही नहीं आता है, दूसरा आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट कि आपके अगर 1 से 2 सैम्पल वैल्यूज जो है मिस हो गई हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फुल उसे रिपीट करो और करो, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे आपने करना होता है वर्क, ठीक है। अब एक और चीज़, वहाँ पे जो ट्री डायग्राम बनाएंगे उसे एक तो सीक्वेंस वाइज आता है, उसमें फ़र्क नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यूज यहाँ पे भी लिखनी है, ड्रॉ करनी है, क्योंकि मैं जल्दी लिखी, मुझे लगा मैंने फुल वैल्यूज ड्रॉ कर दिए, 27 तक आपने ड्रॉ करनी है ये वैल्यूज। तो ये आपकी जो सैम्पल पॉइंट्स पॉसिबल पॉइंट्स वैल्यूज हैं, इफ सैम्पल साइज इज इक्वल टू 3 इन द केस ऑफ द विद रिप्लेसमेंट, वो आपके पास सॉल्व हो जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स अ बेसिक पॉइंट, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हो। अगेन एंड अगेन रिपीट करती होती हूँ, ये पंजाब बोर्ड की जो बुक है FSC पार्ट 2 की, वो मैं आपको करवा रही हूँ। BSC की भी आपको करवा चुकी हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड FSC के लिए भी करवा चुकी हूँ। ये पंजाब बोर्ड की बुक है, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।